हाँ। फील्ड की पथ स्लिप नहीं कर रही है, नेटवर्क आ नहीं रहा है। अब कस्टमर 15 मिनट वो बोलेरो में डलवाए हैं तेल, 15 मिनट खड़े होके फिर चारे कैश दिए, 3 बार फील्ड हो गई है मशीनें। आगे से डीजल आ ही नहीं रहा तो कहाँ से दे देंगे वाले, बताओ आप। तो डीजल के बगैर तो जो बड़ी गाड़ियां हैं ये खड़ी हो जाएंगी, हो जाएंगी वो तो, उसके बाद सामान की किल्लत शुरू हो जाएगी, सब हो जाएगी। डीजल के लिए खड़ी है गाड़ी सर, डीजल है ही नहीं है क्या करें, वो तो सरकार की दिक्कत है ना, सरकार ने ही तो प्रॉब्लम खड़ी की है, किसानों ने थोड़ी की है, वो उनकी शर्तें मान ले तो ड्राइवरों को भी दिक्कत नहीं होगी। अब ड्राइवरों के लिए भी तो कानून लागू कर दिया है, 10 साल की सजा है, 7 लाख रुपए जुर्माना, रोक लगा दी अभी थोड़ी देर है, अभी रोक लगा, थोड़े दिन के इलेक्शन तक रोक लगा रहा है, फिर वो फिर अप्लाई कर देगा। बीजेपी से नाराजगी है हमें, मोदी हटाओ देश बचाओ। और ये 35 साल में डीजल पेट्रोल का खत्म होना, पंजाब कांग्रेस राज में नहीं डीजल बढ़ा था, बीजेपी राज में बढ़ा है, लेकिन सरकार तो कह रही 400 सीट आ रही है हमारी। अरे अंधभगत कह रहे ना 400 सीट अपना मोदी जी कह रहे हैं। अरे मोदी जी के कहने से क्या है, मोदी जी हमारे साथ गाड़ी में तो बैठे, पता लग जाएगा 400 सीटें अपने आप ही आ जाएंगी। ईवीएम मशीन को हटा साइड में, गाड़ी में बैठ करके क्या दिखाएंगे आप? कौन दिखाएंगे ना उसको भी किस हिसाब से दुनिया जीती है। आम जनता को तंग कर रहे हैं, वो सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे, हमारा तेल पूरा है, हम एक दूसरे को भी दे देंगे। आम जनता को जो मोदी तंग कर रहा है ना, ये उसकी अच्छी बात नहीं, उसको ऐसे नहीं पता, हम कुछ भी कर देंगे अपने कानूनों के लिए। पंजाब में इस वक्त पेट्रोल को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। करीब 100 किलोमीटर घूमने के बाद में मैं एक पंप पर आया, हमारी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया था और एक पंप पर हम लोग आए और अभी हमने यहाँ पर टंकी फुल कराई तो 3449 रुपए का पेट्रोल डला। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि पेट्रोल नहीं है, बहुत सारे पेट्रोल पंपों पर, कम से कम 10-15 पेट्रोल पंप पर अलग अलग मैं घूम चुका हूँ, पेट्रोल नहीं मिला। और यहाँ जा कर के पेट्रोल मिला तो यहाँ पर कैश में केवल पेट्रोल मिल रहा है, नेटवर्क नहीं है। हाँ बताना ये क्या सर, देखो आपको फील्ड के फील्ड हाँ, आ रहा है हाँ, आ देखो हाँ, फील्ड की पथ स्लिप नहीं कर रही है हाँ, नेटवर्क आ नहीं रहा है। अब कस्टमर 15 मिनट बोलेरो में डलवाए हैं तेल, 15 मिनट खड़े होके फिर चारे कैश दिए, और कस्टमर भी खड़े हैं बेचारे, और 15 मिनट से परेशान है। एटीएम से पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? एटीएम से भी, एटीएम से निकल रहा होगा तो बैंक में निकल रहा होगा सर, यहाँ पर तो निकल नहीं रहा है। आपके सामने देखो 3 बार फील्ड हो गई है मशीनें। तो ये पेट्रोल की, आपके इधर पेट्रोल कितना बचा हुआ अभी? पेट्रोल जो है हमारे पास तो चल ही रहा है यूज, बाकी तो खत्म हो गया पेट्रोल, बाकी जहाँ पर खत्म है सर वहाँ पर खत्म है हमारे पास। कम से कम 10-15 पेट्रोल पंप पर मैं खुद घूम करके आया हूँ, पर सर हाँ तेल पीछे डिपो से छोड़े चल रही है तो नहीं मिल रहा, तो हमारे पास है हम डाल रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए किस तरह की दिक्कतें जो है पंजाब में इस वक्त शुरू हो गई है। पेट्रोल नहीं है, ज़्यादातर पेट्रोल पंपों पर इस वक्त पेट्रोल नहीं है, और जिन पर है उन पर कितनी देर तक पेट्रोल मिलेगा और कितना स्टॉक है ये नहीं कह सकते हैं। और दूसरा कैश केवल मिल रहा है, यानी स्कैन से आप मोबाइल से जो करना चाहें तो उसके लिए इंटरनेट नहीं है, बाकी अगर कार्ड से करना चाहें तो कार्ड से नहीं हो रहा है। तो डिजिटल इंडिया का अभियान वो भी ठप हो गया है, और फिर उसके बाद में पेट्रोल वो भी ठप हो गया है। तो ये पंजाब में इस वक्त ये दिक्कतें शुरू हो गई है, और लोग जो है वो पेट्रोल के लिए मारामारी हो रही है। अब सोचिए कि जो बाइक वाले हैं जिनकी टंकी में आता ही थोड़ा पेट्रोल है, 10 लीटर 12 लीटर 15 लीटर वो कैसे चलेंगे, या और जो गाड़ियां हैं वो कैसे चलेंगी। और इसके बाद में अगर डीजल की भी इसी तरह से, डीजल की भी अगर इसी तरह से किल्लत शुरू हो गई तो फिर उसको इसके बाद में क्या होगा। कल शाम को जब मोदी सरकार के मंत्रियों के साथ भगवंत मान की बैठक हुई, मैं चंडीगढ़ में मौजूद था, रात को 2 बजे जब मंत्रियों के साथ भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब वो निकल करके बाहर आए तो उन्होंने इस बात को कहा भी कि पेट्रोल की किल्लत यहाँ पर शुरू हो गई है, इंटरनेट बंद है, बच्चों के आज से एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में कैसे चलेगा। तो ये बड़ा सवाल, और इसको लेकर के आप सब ड्राइवर हैं क्या इधर? ये हाँ? कुछ कंडक्टर भी हैं। अच्छा, ड्राइवर कंडक्टर भी हैं। हाँ जी। तो ये पेट्रोल की किल्लत कब से शुरू हुई है? आप तो सड़क पर ही चल रहे हैं, गाड़ी आपकी तो खैर डीजल गाड़ी होगी वैसे, ये डीजल वाली है सर। हाँ। लेकिन पेट्रोल की किल्लत आप सुन रहे हैं? हाँ है सर, क्यों नहीं है, प्रॉब्लम है ही है, पेट्रोल की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हाँ जी, पेट्रोल की भी या डीजल की भी? डीजल की भी शुरू हो रही है। हाँ, तो डीजल भी नहीं मिल रहा सर, ये डीजल के लिए तो खड़ी है। अच्छा, ये डीजल नहीं है? डीजल भी कम है ना, जब पंप पे आएगा नहीं तो वो तभी तो डालेगा। अच्छा एक मिनट, मैंने आपके पास डीजल नहीं है क्या? डीजल है, इमरजेंसी जिसको किसी के थोड़ा बहुत इमरजेंसी रखा है। अच्छा, मैं ये पूछा ही नहीं आपसे, मैं मुझे लगा कि पेट्रोल की ज्यादा किल्लत। डीजल वाले सेलमैन हुए हैं सर, डीजल उनके अंदर डीजल है, आगे से आ ही नहीं रहा है।
आगे से डीजल आ ही नहीं रहा तो कहाँ से दे देंगे बम्बाले बताओ आप, आगे से डीजल आ ही नहीं रहा है। तो डीजल के बगैर तो जो बड़ी गाड़ियां हैं ये खड़ी हो जाएंगी, हो जाएंगी वो तो। उसके बाद सामान की किल्लत शुरू हो जाएगी, सब हो जाएगी, खाने पीने के सामान की किल्लत हो जाएगी, बिल्कुल। बम्बा जब डीजल आएगा तभी तो देंगे बेचारे ये बम्बाले, तो है ही नहीं डीजल कहाँ से देंगे। तो आप ये गाड़ी के मालिक हैं या पंप के? मैं गाड़ी के मालिक हूँ, मेरी वो गाड़ी खड़ी है। अच्छा, नहीं डीजल ही नहीं है। कितने पंप पर घूम चुके हैं आप? मैं कम से 10-12 पंप पर घूम चुका हूँ। 10-12 पंप पर घूम चुके हैं। और आप लोग ये आप पंप से हैं इधर ही? हाँ जी, हाँ जी। तो कब से किल्लत शुरू हुई है पेट्रोल की और डीजल की पंजाब में अलग अलग जगह पर? ये 3-4 दिन हो गया किल्लत हो रही है, मिल नहीं रहा डीजल कहीं से, डिलीवरी पीछे से गाड़ियाँ नहीं आ रही, ना पेट्रोल की आ रही है ना डीजल की आ रही है, तो ये भी किल्लत हो रही है इसके लिए, नहीं मिल नहीं रहा प्रॉपर। क्या कह रहे हैं? हाँ जी सर, डीजल के लिए खड़ी है गाड़ी सर, डीजल है ही नहीं है, क्या करें। तो ऐसे तो जो एक तरह से कहें कि एक तरफ तो किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है अपनी एक जो है वो बातों को मनवाने के लिए, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि भारत ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो फिर चीजें ऑटोमेटिक ही बंद होने शुरू हो जाएगी। हम सर सरकारी गेहूँ लेके जाते हैं हिमाचल के लिए। अच्छा, हाँ जी, वेयर हाउस सरकार का ही एक तरह से काम कर। हाँ जी, पर जब डीजल ही नहीं मिलेगा तो गाड़ियाँ भी क्या चलेंगी, ये खड़ी हो जाएंगी। तो आप पंजाब से और हिमाचल गेहूँ लेकर के जाते हैं? हाँ जी, राजपुरा से सोलन के लिए जाते हैं हम गेहूँ लेके। तो लोगों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी? आएगी, वो तो सरकार की दिक्कत है ना, सरकार ने ही तो प्रॉब्लम खड़ी की है, किसानों ने थोड़ी की है। वो उनकी शर्तें मान ले तो ड्राइवरों को भी दिक्कत नहीं होगी। अब ड्राइवरों के लिए भी तो कानून लागू कर दिया है, 10 साल की सजा है, 7 लाख रुपए जुर्माना, रोक लगा दिया अभी थोड़ी देर के लिए। अभी रोक लगा, थोड़े दिन के इलेक्शन तक रोक लगा रहा है, फिर वो फिर अप्लाई कर देगा। तो यानी हर तबके में एक नाराजगी है? नाराजगी है, बीजेपी से नाराजगी है हमें, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो ये केवल आप जो है वो पंजाब से और हिमाचल जाते हैं? रहने वाले हम हरियाणा के हैं। अच्छा, चलते हम पंजाब से हिमाचल हैं। आप तो 3 स्टेट को जो है वो बता सकते अच्छे से। हाँ जी। तो ये केवल पंजाब पंजाब में आपको ज्यादा नाराजगी दिखती है या ज्यादातर हिस्सों में? नहीं नहीं, जो अंधभगत हैं वो तो नहीं नाराजगी दिखाएंगे, हम तो गांव-गांव जाते हैं, हमें तो पता है देश की दुर्दशा हो रखी है। हम उस टाइम के गाड़ी चला रहे हैं जब 2 रुपए 87 पैसे डीजल था। 2 रुपए 87 पैसे डीजल? 35 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते। आज कितना है? आज है 88 रुपए 86 रुपए 96 पैसे। तो 2 रुपए से और 86 रुपए की डीजल बढ़ गया। हाँ जी, और पेट्रोल तो 100 के पार है। हाँ जी, आज के थोड़ी गाड़ी चला रहे हैं हम, 35 साल हो गए गाड़ी चलाते, और ये 35 साल में डीजल पेट्रोल का खत्म होना पंजाब राज में नहीं डीजल बढ़ा था, बीजेपी राज में बढ़ा है। उस वक्त में 55 के आसपास कुछ रहा, 2014 40 रुपए के आसपास था। 40 तो खैर उससे पहले था। हाँ, 44 रुपए। हाँ, लेकिन सरकार जाते थे 55 के आसपास था। हाँ, अगर ये रहेगी तो 200 से पार हो जाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि 10 साल में जो है वो डबल हो गया, और हाँ, अगले अगर फिर आ गए तो ये इससे डबल हो जाएगा। 100 का डबल 200 हो जाएगा। हाँ जी, होगा, देख लेना, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं। लेकिन सरकार तो कह रही 400 सीट आ रही है हमारी। कौन? अरे अंधभगत कह रहे हैं ना 400 सीट अपना मोदी जी कह रहे। अरे मोदी जी के कहने से क्या है, मोदी जी हमारे साथ गाड़ी में तो बैठे, पता लग जाएगा। अच्छा, हाँ जी, 400 सीटें अपने आप ही आ जाएंगी। ईवीएम मशीन को हटा साइड में, गाड़ी में बैठ करके क्या दिखाएंगे आप? कौन दिखाएंगे ना उसको भी किस हिसाब से दुनिया जीती है। राउंड लेगा, राउंड लेगा ना, हमारे साथ धक्के खाएगा, एक रात ही लगा ले तो क्या हिसाब पड़ता है गाड़ी वाले को, राउंड लगा के ही पता लगेगा, घर बैठे थोड़ी पता लगेगा। जिसको जिसके पास बच्चा ही नहीं आया है उसको दुख ममता क्या पता किसी की। नहीं, वो तो खैर एक व्यक्तिगत विषय हो गया किसी। फिर वो बच्चा होना नहीं होना या रखना, परिवार करना नहीं करना, वो तो एक व्यक्तिगत वो फैसला है। व्यक्तिगत तो है, आपने बोल दिया है। हाँ। अब आप महंगाई देख लो, जब मोदी जी आए थे कितने का सिलेंडर था? 328 रुपये का है आज क्या सिलेंडर का रेट। आप तो मतलब पूरा एकदम से वो कहेंगे कि भाई पूरा बीजेपी की खिलाफत 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 नहीं है। अच्छा। जो हकीकत है वो है। अच्छा, ये हाँ बात जी, ड्राइवर आदमी जितना इतना तो देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं घूमता जितना ड्राइवर घूमता है। इतने समझदार होते मैं ये मानता हूं। हाँ जी, इतने हमारे सिर में बाल नहीं होंगे जितनी हमने स्टेटें देख ली है। गाँव गाँव पूछ लो, हम सब बता देंगे भी हाँ भी क्या दुर्दशा है देश की।
अब आपके सामने ही है, दो घंटे से खड़े हैं, डीजल मिल नहीं रहा है, पूरी रात की गाड़ी चलाई हुई है, खाना अभी तक खाया नहीं है, कहाँ जाएं? अब गाड़ी तो बीच में खड़ी करके जा नहीं सकते, पंप वाले कह रहे हैं गाड़ी निकालो, जब डीजल होगा तभी तो निकलेगी। दुर्दशा आगे आगे बढ़ेगी, कम नहीं होगी ये। देखिए, बात तो हम करने के लिए रुके थे कि पेट्रोल डीजल की किल्लत है, लेकिन बात कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो यानी सिस्टम कुछ इस तरह से जो है वो लड़खड़ाया हुआ है कि आप एक नस को छेड़ेंगे तो पता नहीं और कितनी जो है वो तकलीफें उभर कर के सामने आ जाती है। तो ये मौजूदा समय के अंदर हो रहा है, और पेट्रोल पंप कर लगातार मैं मौजूद हूँ, और कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिन पर बिल्कुल नहीं है पेट्रोल डीजल, और उन्होंने रस्से लगा दिए हैं। तो खैर, उन पेट्रोल पंप में चलूँगा और उन पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाऊँगा, ताकि आप इस बात पर विश्वास कर पाएँ कि ये केवल चार आदमी ऐसे नहीं है जो यहाँ पर खड़े होकर के इस बात को कह रहे हो, बल्कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है उसको लेकर के परेशान है। तो आपकी गाड़ी में डल गया क्या डीजल? है ही नहीं है। दो नया इतना है, 1000 रुपये गाड़ी है। कितना लीटर होगा अभी? 2-4 लीटर ही होगा बाबूजी, 2-4 लीटर। ये तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी आपकी, तो हो जाएगी क्या, अगले पेट्रोल पंप तक जाने की भी वो नहीं। आउट यहाँ ड्राइव मार रहा है, कहीं ना मिल रहा। तो ये स्कूटर मोटरसाइकिल लेकर के कहीं जा रहे हैं कि कैसे जा रहे हैं बाबू? क्या पता है, हम तो नहीं आए, क्यों पंप वाले मना कर देते हैं। दूसरे पेट्रोल पंप पर जब आप तेल पूछने के लिए जा रहे हैं, तेल लेने के लिए जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं? बाइक का पैदल जा रहे हैं, सेट पे व्यवस्था है तो आते, स्कूटर से पूछ आते हैं, मना कर देते हैं सब, कहे डीजल है ही नहीं है, डीजल है ही नहीं है, ना पेट्रोल ना डीजल। देखिए, ये कहावत है, अपना लाल गवा करके दर दर मांगे भीख। जो आदमी लाखों रुपए की गाड़ी लेकर के सड़क पर चलता है, वो आदमी अपनी गाड़ी खड़ी करके और पैदल पैदल पेट्रोल डीजल ढूंढने के लिए घूम रहा है। तो ये इस वक्त में जो है वो पंजाब की हालत है। और क्या ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि पंजाब में जो एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई, किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, तो ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो किसानों के ट्रैक्टर कैसे चलेंगे? किसानों के ना केवल ट्रैक्टर की बात है, बल्कि आम लोगों की दिनचर्या कैसे चलेगी, खाने पीने की चीज़ें लोगों तक कैसे पहुँचेंगी? और जब ये सारी किल्लतें शुरू हो जाएंगी, ये सारी तकलीफें शुरू हो जाएंगी, तो क्या किसान अपने आप ऑटोमेटिक पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाएगा? और क्या किसान को पीछे हटाने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है? ये सारा बड़ा सवाल है। और डीजल, पेट्रोल, इंटरनेट आज के समय में एक एसेंशियल चीज़ है, जिसके बगैर आप ना ही आगे चल सकते हैं, ना ही आपका दिन का काम पूरा हो सकता है। डीजल, पेट्रोल और इंटरनेट आज के समय में एक तरह से ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। अगर डीजल, पेट्रोल, इंटरनेट नहीं है तो आज आदमी जो है वो अपने आप को अधूरा सा महसूस कर रहा है, उसके बहुत सारे काम वो नहीं हो पा रहे हैं, और ऐसे में आदमी चलेगा कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बहरहाल देखिए, लगातार पेट्रोल पंप पर गाड़ियाँ जो है वो आ रही हैं और लोग जो है वो आ रहे हैं, और ये स्थिति जो है वो यहाँ पर इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ कि लगातार गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हो गई है और पूछ रहे हैं कि यहाँ पेट्रोल है कि नहीं है, दिक्कत है कि नहीं है। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जा रहे हैं? हाँ जी। तो पेट्रोल भरवा लिया है? नहीं। पेट्रोल मिल रहा है? नहीं मिल रहा, इतना ही हाफ टैंक है, हाफ टैंक में पहुँच जाएंगे जा करके। क्या करें? कितने पेट्रोल पर पूछा के अभी? पूछा है किसी पे? अभी नहीं पूछा। पूछा नहीं है, लेकिन किल्लत तो शुरू हो गई है, सुनने में आ रहा है। हाँ, नहीं, इस पेट्रोल पंप पर भी नहीं है, इस पेट्रोल पंप पर है, बाकी कई सारे पेट्रोल पर नहीं है। हाँ, तो ये पेट्रोल भरवाया आपने क्या? वहाँ पर आके लाए टंकी। किधर भरा के लाए? पूरी पर आके लाए। पाऊंगे क्या मैं? नहीं है, नहीं नहीं, काफी जगह पर खत्म हो गया है ना, ये, ना? ये डीजल नहीं है इस पेट्रोल की, डीजल ले जी, पेट्रोल जान के बंद पा रहे ने जी, वाले टंकी भरा के ले आ साडे इलाके च ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮਨ ਡੀਜ਼ਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਢੋਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਨੇ ਆਪਦੇ ਢੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਢੋਲ ਸਾਨੇ ਭਰ ਲੈ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਸਾਨੇ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਟੈਂਕਰ ਭਰ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਤੋਂ ਕਿੱਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਯਾਰ ਕਹਿ ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ 22 ਸਾਲ
ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਈ ਅਗਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆ। ਐਸੇ ਤੋਂ ਜਦ ਵੀ ਬੜੀ ਗਾੜੀਆਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪਰ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਸੇ ਬਿਨਾ ਤੁਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਗੱਡੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮਨ, ਜੇ ਹਮ ਖਾਣਾ ਸੋੜਦੇ, ਬਣਾਉਣਾ, ਬੀਜਣਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੋੜਦੇ, ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਆਸਾਨ ਕੈਸੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨਾ। लेकिन डीजल पेट्रोल भी तो आज उतना ही जरूरी है ना, पहले डीजल आता नहीं था और खाने तो बिना दस कौन सार लूगा, तुम सार लेगा डीजल से बिना सार लेगा, सब दोनों चीजें जरूरी है। हाँ, ना ना, खाना, खाना पहले खाना जरूरी है, पहले खाना जरूरी है, फिर खाने के बाद में कहीं कमाने के लिए जाओगे, कहीं कुछ सामान काम करने के लिए जाओगे, तो डीजल पेट्रोल चाहिए। एक नंबर देता पहला खाना जरूरी है, फिर दूसरे नंबर पे डीजल। हाँ, डीजल देता कला बात। ये जेडी सरकार है ना, ये सरकार जान के तंग कर रही है इस टाइम, उन्होंने किसान कल्ले किसानों नूं नहीं तंग कर रही है, आम जनता नूं भी सरकार तंग कर रही है। ये इन्होंने जिहड़ा जाम लाया वो भी इन्होंने लाया, इस तरह सीधा दिल्ली जा रहे थे, असी कोई वह तो नहीं है, असी भी पंजाब के वासी हाँ, है तो इंडिया च असी। क्या फिर आपको ये लग रहा है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि एक मिनट, क्या ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि डीजल पेट्रोल की दिक्कत शुरू होने लगेगी तो पंजाब का आम जो आदमी है वो परेशान हो जाएगा और वो खुद कहेगा कि ये किसानों का आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए? क्या ये अगर बोल पाए तो आप, जे इनको ऐसे है जो ट्रैक्टर है ना हमारे वो दिल्ली ना पहुंच पाए तेल की किल्लत के कारण, तेल की किल्लत हमने पहले पूरी कर ली थी। जे आम जनता को तंग कर रहे हैं, वो सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे, हमारा तेल पूरा है, हम एक दूसरे को भी दे देंगे ये तेल। हाँ, पर जे आम जनता को जो मोदी तंग कर रहा है ना, जे उसकी असली बात नहीं, उसको ऐसे नहीं पता, हम कुछ भी कर देंगे अपने कानूनों के लिए। हाँ, अपने जो ये हक हैं हमने लेने हैं, हमको उसने जवान की थी पिछले आंदोलन में भी, हाँ आपको आपके हक देंगे, वो अभी तक नहीं माना, उनको दो साल का समय दिया था, दो साल हो गए, अब दोबारा दिल्ली को जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो लगातार चलती ही रही, लेकिन अब जिस तरह से डीजल पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है और कई पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल नहीं है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ जो है वो इस वजह से हो रहा है कि बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और सरकार ने रास्ता बंद कर दिया है, क्या इसको बस इसी तरह से देखा जाना चाहिए या फिर इसको इस तरह से भी देखा जाए कि क्या ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से पंजाब के लोग जो इस किसान आंदोलन को लेकर के मुखर दिखाई देते हैं, चाहे वो लंगर लगाने की बात हो, चंदा देने की बात हो, सहयोग करने की बात हो या हिस्सा लेने की बात हो, तो ऐसे में क्या उन लोगों को किसान आंदोलन से, आम लोगों को किसान आंदोलन से पीछे हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये। लेकिन जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, ये अपने आप में दिखाने के लिए काफ़ी है कि पंजाब के इस वक्त में क्या हालात हैं। मुख्यमंत्री खुद कल इस बात को कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कल रात को 5 घंटे की बैठक चली, रात को 2:30-3 बजे वो बैठक ख़त्म हुई, हम लोग 4 बजे जो है वहाँ से वापसी आए, और ऐसा लगता है कि सरकार के साथ में बातचीत का कोई असर ज़मीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।